है। चलो मेरे साथ बोलो, वेल हे गाइस, वेलकम टू विरसा व्लॉग्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार व्लॉग्स। और गाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद जो होता है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो ये नेक्स्ट डे ही हुआ ना। बिल्कुल हाँ, तो अब हम जा रहे हैं मेरा घर देखने जो मैंने खरीदा था 2-3-4 महीने पहले, बट मैंने कभी बताया नहीं और कभी देखा भी नहीं। पुलिस है क्या? नहीं। अच्छा वो इसको छोड़ने जा रहे हैं। वाओ गुड, वाह देखो इनको छोड़ने जा रहे हैं। वाओ, तो अब हम जा रहे हैं मेरा घर देखने जो खरीदा था, पर वो मैंने कभी दिखाया नहीं क्योंकि उसमें कनेक्शन भी नहीं था और उसमें कुछ भी नहीं हो रखा था, और अभी उसमें कनेक्शन हो चुका है, तो फिर वो देखते हैं और फिर आप बताना कैसा लगा और चलते हैं गाइस। चलो अभी 1:45 हो गए हैं, अभी हम इनकी फ्रेंड के किसी के घर गए थे इनकी फ्रेंड के, और वहां पे हम बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। फ्लैट लिया था खरड़ में, तो उसके बारे में कुछ बताया इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे कनेक्शन नहीं हुआ था। आई थिंक वो सोसाइटी अभी बन रही है, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं देखने, क्योंकि मेरा देखने का दिल कर रहा था। इन दोनों को नींद आ रही है, देखना कैसे मुंह बना के बैठे हैं। नींद तो मेरे को भी आ रही है, पर मेरे को घर देखना है उसके बाद, क्योंकि मेरे को मुंबई निकल जाना, तो मैं बहुत टाइम तक देख नहीं पाऊंगा शायद। और फिर अभी जाते हैं देखते हैं, अगर वो लॉक सेम ही लगा हो, अगर मम्मी पापा ने चेंज ना किया हो लॉकर, तो ओपन हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे ही वापस आ जाएंगे। चलिए, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, चलो। तो गाइस ये है सोसाइटी, देखो अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है। और आई थिंक ये नेक्स्ट डे का होगा ना व्लॉग, तो ये नेक्स्ट डे का होगा ना व्लॉग क्योंकि 12 बज चुके हैं। हाँ तो ये नेक्स्ट डे का है, आज का, आज मतलब कल डालूंगा। ओह शिट, बहुत मुश्किल से कोड खुला है, और पापा को रात को फोन करके जगाया कि मेरे को कोड बताओ। तो गाइस ये है हमारा फ्लैट, लाइट्स ऑन करता हूँ अगर तो यहाँ कनेक्शन हो चुका हो तो। नहीं है क्या? नहीं, आई थिंक कुछ तो उठाना पड़ता है, आई थिंक ये उठाना पड़ेगा मे बी। ओ या, ये है मेरा फ्लैट जो मैंने खरीदा था, बट मैंने मतलब दिखाया नहीं था किसी को, बताया भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो अभी मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि है कैसा, और प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। ऐसे ये है मेन एंट्रेंस, और ये ऐसे लॉक है, लॉक नहीं बताऊंगा नहीं तो कोई भी आ जाएगा। ये हॉल है, अच्छा यार स्पेशियस है, क्यों? ये किचन है, और ये एक रूम है, ये अलमीरा है प्रॉपर, ये वॉशरूम है। अभी कनेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पानी पूनी का मुझे नहीं पता अभी क्या सिस्टम है, बट ये मैंने खरीदा था अपने बर्थडे से पहले। और ये दूसरा रूम है, ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, और मैंने सेम अटायर ही पहना, सिर्फ मैंने ये येलो शर्ट चेंज कर लिया बाकी, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आज नए तरीके से नहाया हूँ क्योंकि मैंने आज अपने बालों से पानी नहीं लगाया, मैंने अपने शोल्डर से फेस ऐसे किया, मतलब बाल मेरे जैसे रात को थे मैंने वैसे ही छोड़ दिए, मैंने कहा कौन दोबारा से सेट करेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ नानी घर, मैं सुबह उठ चुका हूँ, आई थिंक 11:30 समथिंग हो गए हैं, और मेरी 4 बजे की फ्लाइट है क्योंकि आज मैं बॉम्बे वापस जा रहा हूँ। और चलते हैं नानी घर, ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर मामी जी का बेटा जो मेरा भाई है साहिल, वो मेरे को छोड़ाएगा एयरपोर्ट, क्योंकि मम्मी पापा तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर छोड़ाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। चलो गाइस लेट्स गो। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि इसमें पुश स्टार्ट नहीं है, चाबी से स्टार्ट करनी पड़ती है। पुश स्टार्ट नहीं है, या ब्रो। सो गाइस वी लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट, और ये मेरा भाई है मामी जी का लड़का, आपको पता ही होगा आई थिंक, और ये पीछे हमने लगेज रख लिया, और इसने बहुत सारे कपड़े भी उठा लिए इसी के ही है। Be real bro. तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और
मेरे ये शेड्स यहीं पे रह गए थे पंजाब में, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी ले चलते हैं, और मैं भी रेडी हूँ, ये भी प्रॉपर रेडी हूँ, ये प्रॉपर जिमिंग कर रहा है आजकल। अगर मैंने इसकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया आप शॉक्ड हो जाओगे। इसकी प्रोफाइल चेक कर लेना, साहिल SP जाके मेरे अकाउंट में भी आप देख जाके देख सकते हो फॉलोइंग लिस्ट में, और मतलब आप नीचे की पिक्चर्स देखोगे ना आपको पता चलेगा कि मतलब इसने कैसे अपने आप को क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया बहुत अच्छे से। मतलब मैं अब इससे टिप्स लेता हूँ कि यार मेरे को मतलब मेरा मसल लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ, पर ये जो करता वो मैं कर नहीं सकता। बहुत ज्यादा ट्रेन हैवी ट्रेन करता है, मेरे होली चला मैं डर लग रही और तेज ड्राइव भी करता है। चलो गाइस एयरपोर्ट चलते हैं और फिर वहां की थोड़ी ग्लिम्स दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। फाइनली मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ गया हूँ, और एक्चुअली मुझे नीचे छोड़ दिया साहिल ने, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, बट अगर लिफ्ट की दिक्कत ना हो यार, स्टेयर्स तो होंगी, एक्सेलेटर तो होगा, मे भी एक्सेलेटर हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं लिफ्ट से तो नहीं जा पाऊँगा। शुक्र है मैं डर गया था। इतना अमेजिंग लग रहा है यार यहाँ से, अच्छा लग रहा है। एज मैंने बैग चेक इन कर दिया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया जिस तुषार, शायद आप जानते ही होगे अगर आपने उड़ानियाँ देखा होगा। कोइंसिडेंस एक्चुअली हम मिलने नहीं वाले थे, ये बैठा था यहाँ पे, मैं दूर से मैंने कहा यार तुषार लग रहा है ये, और हमारी सेम फ्लाइट भी है बट सीट्स तो अलग अलग होंगी, बट विल एक्सचेंज अगर कर लेंगे। हाँ पर पता नहीं कैसे मिली, और हम दोनों बॉम्बे जा रहे हैं और सेम फ्लाइट सेम टाइम। हाँ मतलब हम दो तीन दिन के लिए मिले थे क्योंकि मेरा ट्रैक खत्म हो रहा था और इसका स्टार्ट हो रहा था अभिराज वाला। पहले मेरे को बहुत डर लगता है, पता नहीं एकदम से नीचे नहीं मिलता था, उस टाइम बहुत डर लगता है। अंग्रेज बैठा बस यहाँ पे मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता हूँ। पर मैं अपना ध्यान भटका रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे हमारे, और मैं तो मरी गया था, और ये अभी ताऊ जी बन के आएंगे शो में 2.0 में। ट्रैफिक देख लो जरा मुंबई का, पहुंच गया हूं अपनी सोसाइटी में, और मेरे को आज घर शिफ्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने क्या किया कि अटैची का जो सारा सामान था वो मैंने कार में रख दिया, और अब मैं ऊपर जाऊंगा, इसमें जो जो सामान आएगा वो मैं रख के कार में रख के आज मैं शिफ्ट कर लूँगा। चलो गाइस, और बारिश बहुत हो रही है बट आई एम इंजॉइंग। शिट गाइस, बुरा हाल हो गया मेरा, अभी तो सिर्फ मेरे कपड़े ही थे तब मेरा इतना बुरा हाल हो गया। मैं उनका सोचता हूँ जिनका पूरा सामान होता है उनका क्या हाल होता होगा। मैं आपको कार की हालत दिखाता हूँ, पूरा कबाड़ी बन गया, दिखाता हूँ। हाँ गाइस ये देखो बुरा हाल। मैं शिफ्टिंग करूँगा और नया घर दिखाऊँगा। इसको अंकल देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ यहाँ पे आप छुट्टे पैसे हो कुछ भी हो प्लीज़ दे दिया करो यहाँ पे गाइस।